सो गाइस वेलकम टू जेटी व्लॉग्स। तो आज है डे 40 और हम अभी हैं ओल्ड मनाली में, उसी जगह पे, उसी डॉर्मेट्री में जहाँ पे हम रुके हुए थे पिछले दो तीन दिन, चार दिन से। और आज हम जाने वाले हैं कुल्लू की साइड और हिचहाइकिंग करके जाने वाले हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो हिचहाइकिंग स्टार्ट करेंगे, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, दैन उसके बाद मेन रोड पर जाएंगे, वहाँ से हिचहाइकिंग स्टार्ट करेंगे कुल्लू के लिए। सो लेट्स गो, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस अभी इस डॉर्मेट्री को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। पहले कुछ ऐसा प्लान था, ब्रायन हमारे साथ जा रहा था कुल्लू के लिए, बट ही चेंज हिज प्लान। या नो डाउन साइड। सो ब्रायन पहले हमारे साथ जा रहे थे, बट उसके बाद उनका प्लान चेंज हो गया है। नाउ वो अब यहीं रुकने वाले हैं और जोगनी वाटरफॉल जो है वहाँ जाएंगे, एंड देन जो अमृतसर की बस है वो यहाँ से पकड़ लेंगे डायरेक्ट, उसको अमृतसर जाना था। तो चलो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, देन चलते हैं आगे। कोई ट्रेजेडी हो चुकी है, रेड फोर्ट ढाबा भी बंद है। Brian, where should we get our breakfast? I think downside ढाबा। ढाबा ढाबा? Yeah, yeah. Okay. Let's see. नीचे जा रहे हैं और Brian कह रहा है कि वहाँ पे एक और ढाबा देखा था मैंने, तो वहाँ जाके देखते हैं, ढाबा मिलता है तो वहाँ से खाते हैं रोटी रोटी और निकलते हैं आगे कुल्लू की तरफ। सो गाइस अभी हम नए ढाबे पे आए हैं, यहाँ पे थोड़ा सामान महंगा है, बट भूख तो लगी है, ब्रेकफास्ट करके जाना पड़ेगा तो कर लिया है। एंड ये व्यू है यहाँ का बिल्कुल सामने, ब्रिज क्रॉस करके राइट साइड में आए थे हम। एंड Brian, माई मॉम सेड टू मी दैट आस्क Brian टू से नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी जी। या नमस्ते आंटी जी। या सो मम्मी बोल दिया Brian ने, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले नूडल ऑर्डर करे हैं, एक प्लेट ऑर्डर करिए और हाफ हाफ स्प्लिट कर दिया। चाय हमने ऑर्डर कर दी है, अभी परांठा बन रहा है, देन ये सब खा के फिर चलेंगे सीधा कुल्लू की तरफ। देन गो टू, डोंट गो टू तोमोहन, दे विल ईट यू। सो गाइस Brian को हम बाय कहने वाले हैं। Brian जा रहा है जोगनी वाटरफॉल और ये वाली सड़क जाती है कुल्लू की तरफ, एंड वो सड़क जाती है, वो जाती है जोगनी वाटरफॉल। तो भाई जा रहे हैं जोगनी वाटरफॉल। ओके ब्रो, I think we will meet again. Yeah, yeah. When you will come to India again and I will be at home, then please come to my home. Yes, okay, done. Yes, we'll be in contact. We'll be in contact. Okay, done. Thank you, brother. You're so kind. See you next time. Okay, done. Bye-bye. Bye. Send me the Jogini waterfall video. Okay. So guys, चलो यहाँ से अब लिफ्ट मांगनी शुरू करते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं कुल्लू हाईवे पे, जो कि सीधा कुल्लू की तरफ जाता है। ट्राई करेंगे कि आज ही मणिकरण साहिब पहुँच जाएँ, गुरुद्वारा मणिकरण साहिब। सो लेट्स ट्राई। अभी हम मेन रोड पे आ चुके हैं, देखते हैं कौन लिफ्ट देता है। ये वाली सड़क जाती है और वो भी सड़क जाती है, देखते हैं अगर इससे नहीं मिलेगी तो उससे ट्राई कर लेंगे। सो गाइज अभी हम जो मेन चौक था वहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, बट भाई 3-4 किलोमीटर के अंदर अंदर 2-3 बार मैंने सड़क टूटी हुई देख ली, बहुत गंदा वाला इफेक्ट पड़ा है फ्लड का। मैंने अभी तक वैसी सड़क नहीं देखी थी टूटी हुई, तो ज़्यादा ही टूटी हुई है और सिंगल लेन कर रखा है सारी सड़क को और एक लाइन काम ही नहीं कर रही ये वाली। एंड जहाँ टूटी है मतलब यहाँ से गाड़ी आएगी और इस तरफ चली जाएगी एंड सिंगल लेन हो जाती है, तो इस वजह से जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई आज अच्छी खासी बैंड बजने वाली है। कुल्लू पहुँचते पहुँचते ही पूरा ट्रैफिक मिलने वाला रास्ते में, और अभी जो टाइम हो रहा है तकरीबन 2:30 बज रहे होंगे। मैंने तो यही सोचा था कि यार चल कोई नहीं, Brian के साथ थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड कर लेता हूँ कि चल कोई नहीं पहुँच ही जाऊँगा, 40-45 किलोमीटर तो है यहाँ से कुल्लू। तो भाई बैंड बजने वाली है, ट्राई करते हैं सेकंड लिफ्ट के लिए। अभी जो लिफ्ट दी थी वो एक अंकल थे, बुजुर्ग अंकल थे, उन्होंने लिफ्ट दे दिया है। एंड लेट्स गो, सेकंड लिफ्ट लेते हैं, ट्राई करते हैं। ये देखो आप हाल सड़क का, कुछ नहीं, कुछ यकीन नहीं भाई। देखो पूरी सड़क जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तक, कुछ पता नहीं कब मर्जी ये नीचे गिर जाए, क्योंकि मिट्टी के ऊपर टिकी हुई है ये देखो। नाम के रवि रवि ठीक। सो गाइस हमें रवि भाई और एक सरदार भाई थे, वो यहीं पे रहते हैं पर सरदार थे, तो उन्होंने हमें छोड़ दिया है काफ़ी आगे, तकरीबन 20 किलोमीटर आगे तक। तो अभी यहाँ से कुल्लू बचा है तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास ही बचा है, 20-22 किलोमीटर। तो चलो अभी यहाँ से लिफ्ट ट्राई करते हैं। अभी भैया बोल रहे हैं अगर नहीं भी मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, शायद हमारी गाड़ी और भी आगे जाएगी, सो अगर नहीं मिलेगी तो हमारे साथ चल पड़ना, मिल रही है तो ठीक है अपनी मर्जी है जाओ। मनाली से टोटल तकरीबन आ चुके हैं हम 21 किलोमीटर आगे, और अभी सेकंड लिफ्ट थर्ड लिफ्ट मांग रहे हैं, लेट्स सी कौन देता है। इसका मनाली में थे? हाँ मनाली हो गया भैया, अभी कुल्लू जा रहा हूँ और कुल्लू के बाद देखता हूँ शायद वहाँ से मणिकरण साहब की तरफ निकलूँगा। अच्छा।
सो गाइस हमारे हमें हमारी थर्ड लिफ्ट मिल चुकी है और भैया आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश भाई ने हमें लिफ्ट दी है कुल्लू तक और उसके बाद देखते हैं अगर आज ही प्लान बनेगा तो आज ही मणिकरण साहब भी पहुंच जाएंगे। अभी टाइम तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास हो रहा है, सो लेट्स गो, चलते हैं और पहुँचते हैं कुल्लू, व्यूज दिखाते हैं आपको रास्ते में। अच्छा आप तो भैया वहीं मनाली के आसपास के ही हो तो आपको अगर मतलब वो थोड़ा अपोजिट पड़ जाता है ना मनाली के, एक तो मेरे को 2-3 चीज़ें पूछनी है कि वहाँ के रास्ते क्लियर हैं या नहीं। एक तो हमटा पास का रास्ता क्लियर है? ठीक है। और एक रोहतांग पास का? रोहतांग का क्लियर है। गाड़ी वाड़ी जा रही है? और एक कस्कर करके एक विलेज है उसका भी बोला है, कस्कर विलेज जो कि सिसु से अब जब राइट ले लेते हैं सारा क्लियर है। बस ठीक है, कोई कमेंट करके पूछ रहा था मैं, क्या उसको बता देते हैं कि भाई खुला है आ सकते हो अभी। मतलब ये सिर्फ मंडी से लेकर कुल्लू तक की सड़क थोड़ी ज़्यादा खराब है। ओके, तो भाई जैसा कि आपको भैया ने बता दिया कि जो भी आपने 3 चीज़ें पूछी थी, रोहतांग पास, हमटा पास और कस्कर विलेज, ये तीनों खुले हैं और जो भी खराब है वो मंडी से लेकर कुल्लू तक का ही खराब है, मंडी से लेके मनाली तक का समझ लो। और बीच बीच में सड़कें थोड़ी टूटी हुई हैं, बाकी सड़कें अभी भी स्मूथ हैं, चल रही हैं, बट बीच बीच में कोई पैचेस हैं जो कि ज़्यादा ही टूट गए थे तो वो उनको रिपेयर करके रखा हुआ है। गाड़ियाँ चल रही हैं आराम से, आप आ सकते हो। सो गाइस ओम प्रकाश भैया ने उतार दिया है कुल्लू और ये वाला जो ऊपर का हाईवे जाता है ये जाता है सीधा भुंतर की तरफ और भुंतर से हम लिफ्ट लेंगे मणिकरण साहब और आज ही चले जाएंगे मणिकरण साहब भी। एंड ये जो सामने की सारा आप देख सकते हैं ये सारा कुल्लू में आता है ये सारा। एंड अभी यहाँ से ट्राई करते हैं लिफ्ट, फोर्थ लिफ्ट फॉर भुंतर। मैं पहले मतलब पंजाब से हूँ वैसे तो। अच्छा। और पूरा इंडिया घूम रहा हूँ बिना पैसों के लिफ्ट ले लेंगे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम क्या भैया? मेरा सोमदत्त शर्मा। हाँ जी, सोमदत्त शर्मा। सोमदत्त शर्मा, ओके। सो गाइस सोमदत्त शर्मा भाई ने हमें लिफ्ट दे दी है भुंतर तक और फोर्थ लिफ्ट हमारी हो चुकी है, आज हम शायद पहुंच जाएंगे मणिकरण साहब। भैया वो भुंतर से जो मणिकरण साहब की तरफ जाती है सड़क वो ठीक है? हाँ, थोड़ी जरी से आगे थोड़ी खराब है शायद ना। ओके, बाकी सब ठीक है? बाकी ठीक है। ओके, थोड़ा बीच बीच में थोड़ा स्पॉट्स थोड़ा सा शायद खराब हो चुके हैं लेकिन बीच में ठीक है। और अच्छा अच्छा, गाड़ी निकलती है जैसे पीछे वो मनाली की साइड में बीच में पैच बने हुए हैं, बस ही पैचेस है। ओके ओके ओके। सो गाइस एक और लिफ्ट मिल गई और अभी हम पहुंच चुके हैं भुंतर चौक पे और यहां से लिफ्ट लेते हैं मणिकरण साहब के लिए। लेट्स गो, ट्राई करते हैं फॉर आवर फिफ्थ लिफ्ट और चलते हैं मणिकरण साहब। सो गाइस भुंतर से लिफ्ट मिल गई है हमें, फिफ्थ लिफ्ट, आई डोंट नो, पता नहीं सिक्स्थ लिफ्ट है। और भाई आपका नाम क्या है? अनवर। अनवर भाई ने लिफ्ट दे दी है, हम जा रहे हैं मणिकरण साहब। तो भैया कह रहे हैं कि आधे रास्ते तक छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आधे रास्ते तक भैया छोड़ देंगे, आधे रास्ते के लिए दोबारा हम ले लेंगे लिफ्ट। मणिकरण साहब वाली साइड में जाते हुए रास्ते में नदी आती है पार्वती और जो भुंतर में ब्यास और पार्वती दोनों मिल जाती हैं। और मेरे को एक भैया बता रहे थे, कहते कि जब ये दोनों नदियाँ भुंतर में मिली थी ना तो मंडी में इतनी गंदी वाली फ्लड आया था ना और भुंतर में इतना गंदा वाला फ्लड आया था क्योंकि ये दोनों नदियों ने मिलकर तहलका मचा दिया था वहाँ पे। और अब तो चलो फिर भी ठीक हो गया और व्यू देखो यहाँ का यार। सो गाइस जिसका येलो ट्रक खड़ा है उन भाई ने हमें उतार दिया, अनवर भाई ने। और व्यू देखो यार, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सन अभी जो है वो सेट होने वाला है एंड 5:45 बज चुके हैं शायद और अभी हम तकरीबन 17-18 किलोमीटर दूर हैं अपनी डेस्टिनेशन मणिकरण साहब से। तो यहाँ से लिफ्ट लेते हैं, शायद मिल जाएगी। और रोड कंडीशंस बता दूँ भाई जो भी अगर आना चाहता है तो, मतलब इस साइड में तो है मतलब हर दोनों टाइप, अगर आप मंडी से मनाली जा रहे हो चाहे आप भुंतर से मणिकरण साहब आना चाहते हो तो वहाँ पे हालात दोनों सेम ही हैं। हालात कैसे हैं कि मतलब 7-8 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर जाओगे एक छोटा सा पैच आएगा, 50 मीटर 100 मीटर का एक पैच आएगा जहाँ पे वो टूटा फूटा हुआ है पर चल सब कुछ रहा है, निकल जा रही हैं गाड़ियाँ। वहाँ पे वन लेन कर रखी है उन्होंने पुलिस वालों ने और 5-5 मिनट पे गैप के वजह से 5 मिनट इधर वाला निकाल दिए, 5 मिनट इधर वाला निकाल दिए, तो ऐसे ऐसे करके निकालते जा रहे हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है, आप आ सकते हो और रोड्स काफ़ी क्लियर हैं। अगर बारिश नहीं आती है दोबारा तब तक तो बिल्कुल क्लियर रहेंगे, अगर यहाँ पे दोबारा बारिश आती है तो भाई वो नई अपडेट होनी होगी, तो अगर मेरे सामने हो जाती है तो वो भी आपको बता दूंगा।
टोपी उल्टी पहन लूंगा फिर गिरेगी। टोपी गिर गई थी भाई, बाइक बहुत तेज चल रही है। हम अभी कसौल में, कसौल एंटर कर गए ना हम। सो गाइस अभी हम कसौल में, गांव का नाम क्या है? कटाकला। भाई भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्रिज था, और जो आप उस तरफ नदी देख रहे हैं, आपको दिखाता हूँ सबको, वो नदी देख रहे हैं वहाँ पे, कहते हैं कैफेज ही कैफेज थे सारे, और वो सारे के सारे जब फ्लड आया तब बह गए। एंड बड़ा ख़तरनाक फ्लड आया भाई रास्ते में, आपको मैंने सड़कें भी दिखाई हैं, बुरा हाल हो गया है यहाँ पे तो बुरा। मतलब ये देखो, इतनी चौड़ी भी नहीं थी ना पहले ये। हाँ अब यही था, वो बाद में बनाया गया, वो जब बह गया सारा कुछ। ओके मैं कह रहा सिर्फ आधा जो ये वाला हिस्सा था यही था पहले नदी का, वो तो सब बाद में जब सब बह गया तो वो तब बना उसके बाद। मतलब घर वर गिरे क्या? घर वर बच गए? घर के दोस्त घर चला गया कटाकला इन। अच्छा किसी का घर ही चला गया, और होटल वगैरह भी गिरा होगा? एक होटल का फाइल दे रही थी वो भी चला गया पूरा लगभग। जो जो मतलब इसके साथ में था नदी के वो तो बह गया, वो भाई बह गया सारा। बुरा ही हाल हुआ है सबके यहाँ पे तो यार। सो गाइस कवि भाई ने हमें लिफ्ट दे दी है, कसौल से तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे हैं और मणिकरण से तकरीबन 6-7। तो गाइस चलो अभी यहाँ से लिफ्ट मांगते हैं मणिकरण के लिए, और भाई को रुकना था अपने गांव में, किसी की वेट कर रहे हैं। सो लेट्स गो, किसी की लिफ्ट मांग के देखते हैं किसी से। सो गाइस कवि भाई ने हमें मेन कसौल में उतार दिया, अभी यहाँ से लिफ्ट लेके देखते हैं मणिकरण साहब के लिए। लेट्स गो, ट्राई करते हैं मणिकरण साहब। भाई जिस चीज़ के लिए कसौल फेमस है वो यहाँ पर चल रहा है, द ट्रांस पार्टी, फुल ऑन नशे एंड ऑल, ये सब गाड़ियाँ वहाँ पे गई हुई हैं। चलो अभी हम तो भाई गुरुद्वारे में जा रहे हैं, लेट्स गो। ये क्या है, अभी भी लोग आग लेके घूमते हैं क्या रात को? ये बड़ा वियर्ड लगा भाई देख के, लोग आज भी आग लेके घूम रहे हैं क्या रातों को? भाई अभी कसौल के जंगलों में हूँ, ये देखो पूरा अंधेरा है, और यहाँ से तकरीबन 1.25 किलोमीटर बचा है बस, और बस जाने वाले हैं। एक गाड़ी आई, शुक्र है भाई गाड़ी नहीं आ रही थी, कोई डर लग रहा था, बट कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी वाड़ी चल रही है ठीक है। सो गाइस फाइनली हम गुरुद्वारे पहुँच चुके हैं, और ये है गुरुद्वारा। आज नहीं दिखाएंगे आपको, कल दिखाते हैं और कल सब कुछ बताएंगे यहाँ का। अभी सिर्फ अंदर चलते हैं और रहने का देखते हैं कि क्या सीन है, और सराह मिल जाती है तो फिर देखते हैं, अच्छा हो जाएगा यार। तो गाइस यहाँ पे स्कैनर भी लगा हुआ, अगर आपको यहाँ की हिस्ट्री जाननी है मणिकरण साहब की तो आप वीडियोस देख सकते हैं। ये वाली वीडियो जो है हिंदी में आपको मिल जाएगी, स्कैन कर लो क्यू आर कोड स्क्रीनशॉट लेके, और ये वाली वीडियो पंजाबी में मिल जाएगी, स्कैन कर लो स्क्रीनशॉट लेके। और अभी ये लगा हुआ है पोस्टर बिल्कुल लंगर हॉल के बाहर, और मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई वहाँ पे आए, जहाँ पे रहने की सराह की बात करनी है, तो अभी वहाँ पे कोई है नहीं गया हुआ है, तो जैसे ही आएंगे तो उनसे बात करते हैं। भाई यहाँ पे ये मैं देख के हैरान हूँ कि मतलब सिखों के जो गुरु थे और हिंदुओं के जो भगवान हैं, उन दोनों को बिल्कुल साथ में उनकी फ़ोटो लगाई गई है। अच्छी बात है कि सब एक ही धर्म, मतलब सब कुछ एक ही समझते हैं, तो अच्छी बात है। भाई ये पहला गुरुद्वारा देखा होगा मैंने जहाँ पे ये बिल्कुल साथ साथ में है। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा घूमने के बाद और ऊपर नीचे इधर उधर जाने के बाद, क्योंकि बहुत सारे रूम्स हैं यहाँ पे, और फाइनली हमें हमारा रूम नंबर 211 मिल चुका है, 211, और काफ़ी सही रूम है भाई, इतना बड़ा रूम, गद्दा वद्दा सब कुछ बीच में लगा हुआ है, और क्या चाहिए भाई बंदे को, फ्री में रूम मिल गया, रहने की जगह मिल गई, सोने की जगह मिल गई, और कुछ नहीं चाहिए। चलो अभी इस ब्लॉग को एंड करते हैं, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए इस ब्लॉग को, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, भाई सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना अगर यहाँ तक आ गए हो। वीडियो आप पूरी देख लेते हो, सब्सक्राइब आप करते नहीं हो, और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना अपने स्टेटस पे, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।